हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके फार्माकोलॉजी 2 यानी कि बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको एक नहीं दो नहीं काफी जगह काम आने वाले हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एंजियोटेंसिन का बेसिक इंट्रोडक्शन। और ये एंजियोटेंसिन एज ऑटोकॉइट आज आप पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना या पहले वीडियो देखे होंगे तो आपने पढ़ा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, दैट इज सिंपली नोन एज एसीई इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको आपने इन दोनों टॉपिक को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में और कुछ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर और भी जो डिजीज डिसऑर्डर है इनके केस में आपने पढ़ा होगा। तो एक जगह की अंडरस्टैंडिंग आपको दूसरी जगह काम आनी ही आनी है, और इसके पहले हाइपरटेंशन केस में हमने इसको डिटेल से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइए आज हम बात करते हैं इन्हीं एंजियोटेंसिन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनके रिसेप्टर, उनके कन्वर्जन और उनके बायोसिंथेसिस पैरामीटर को पाथवे की मदद से। सबसे पहले ये जानते हैं अगर एंजियोटेंसिन है क्या, तो एंजियोटेंसिन की केमिकल नेचर के अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि एंजियोटेंसिन आर वैसो एक्टिव पेप्टाइड विच रेगुलेट द स्मूथ मसल्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसो एक्टिव पेप्टाइड या वैसोप्रेसिव एंजाइम, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दैट। सिंपल सा कहना मतलब है वैसो एक्टिव यानी कि ऐसे ड्रग जो कि स्मूथ मसल पे एक्टिव होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज इट रेगुलेट द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल को समझाने के लिए हमने एक सिंपल सा बहुत ही साधारण सा पाइप लिया हुआ है, जिसके एग्जांपल को हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो एंजियोटेंसिन है वो किस हद तक कैसे आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट या यूं कहूं कि स्मूथ मसल को रेगुलेट करने का काम करता है। अगर मैं मान के चलता हूं कि ये हमारा ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल का कोई एक फिक्स डायमीटर होगा, इस फिक्स डायमीटर में हमारे ब्लड इसमें आसानी से फ्लो हो रहे होंगे जब तक कि किसी तरह की एबनॉर्मैलिटी या जब तक कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ना हुआ हो। जैसे ही हमारी बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करने के कारण से, होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म को फॉलो करने के कारण से, हीमोस्टेटिक मैकेनिज्म को फॉलो करने की वजह से, या कुछ ऐसे रेनिन के, एंजियोटेंसिन के या किसी और बैरोसेप्टर के ओवर एक्टिव होने की वजह से ये हमारा ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं एंजियोटेंसिन की, तो यूं मान लेते हैं कि एंजियोटेंसिन की वजह से ये जो ब्लड वेसल है इसका जो डायमीटर है वो धीरे से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। कॉन्स्ट्रिक्ट होने का मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से है। अगर ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा होगा उसके फ्लो होने के प्रेशर में कहीं ना कहीं मॉड्यूलेशन तो देखने को मिलेगा, उसकी स्पीड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये ब्लड वेसल को वापस पाइप मान लूं, और आपने कभी कभी भी किसी भी तरीके को पाइप का यूज करते हुए उसके प्रेशर का यूज किया होगा, तो आप पाइप के इस सामने वाले मुहाने को प्रेस करते हैं तो उसका जो फ्लो है यानी कि जो पानी का फ्लो है वो अपने प्रेशर में इंक्रीज कर लेता है। यानी कि जैसे ही आप इसको पुश करेंगे पानी का प्रेशर थोड़ा ज्यादा दूर तक जाने लग जाता है। इसका मतलब तो ये है कि अगर वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली उस वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहे होंगे उनके प्रेशर में कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। यही कहलाता है वैसो एक्टिव ड्रग, जो कि आपके स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन को या उसके डायमीटर को कम करने के लिए रेगुलेट करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो काम है वो हमारे एंजियोटेंसिन का है। अब यहां पर दो चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर इस एंजियोटेंसिन की वजह से वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर में इलेवेशन होगा या ब्लड प्रेशर कॉज होगा या सीएचएफ में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, तो अगर हम ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को रिड्यूस करके मेंटेन करना चाहते हैं नॉर्मल लेवल में, तो हमको इसी एंजियोटेंसिन के एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी हैव टेकन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर इन केस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर हम बात करते हैं इनके दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर के अकॉर्डिंगली, तो ये कहता है दीज आर इंपॉर्टेंट इन हीमोस्टेटिक कंट्रोल। हीमोस्टेटिक कंट्रोल या होम्योस्टेटिक कंट्रोल दोनों चीजों को हम समझ सकते हैं। होम्योस्टेटिक कहने का मतलब है ओवरऑल बॉडी के जो बैलेंसिंग सिस्टम है इनको मेंटेन करने का, और हीमोस्टेटिक कंट्रोल अगर हम बोले तो ब्लड के कारण से जो लॉस होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए। तो आप अगर इन्फ्लेमेशन के केस में आगे पढ़ेंगे तो ये भी ब्लड वेसल अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कर करके ब्लड के लॉस को रेगुलेट करने का काम करते हैं, लेकिन वो जो रेगुलेशन है वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट मैकेनिज्म होता है जो उतना लंबा नहीं चलता। तो खैर आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं होम्योस्टेटिक कंट्रोल की। तो ये होम्योस्टेटिक कंट्रोल किसका करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं आपके ब्लड प्रेशर को, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया। ये कंट्रोल करते हैं रीनल कन्वर्जन ऑफ H2O को, यानी कि रीनल में आपके कंजर्वेशन होते हैं पानी के, इलेक्ट्रोलाइट के, सॉल्ट के, इनको भी रेगुलेट करते हैं। तो ये प्रकार से कंजर्व करके, प्रिजर्व करके रखने का काम करते हैं आपके H2O को।
इसकी वजह से कहीं ना कहीं सॉल्ट का भी रिटेंशन होगा, जिसके बारे में हम आगे जाकर के इस फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी का एलिवेशन है, इसी का इनलार्जमेंट है, जो कि कहता है कि दिस यानी कि आपके एंजियोटेंसिन होम्योस्टेटिक कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर के, रीनल कंजर्वेशन ऑफ वाटर के एंड कार्डियक फंक्शन के। कार्डियक फंक्शन के कैसे? चूंकि अभी आपने ये देखा कि ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ये सॉल्ट और वाटर के रिटेंशन को भी अफेक्ट करते हैं, और इन केस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, काफी कुछ डिपेंड करता है कि आपका सॉल्ट का रिटेंशन कैसा है, वाटर का रिटेंशन कैसा है, तभी तो हम डायबिटिक लेते हैं। इन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में भी आपने देखा, जिसको हम RAAS सिस्टम कहते हैं, कि कैसे ये आगे जाकर के एल्डोस्टेरोन कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में, और ये आपके ब्लड प्रेशर को एलिवेट करने के लिए, फ्लूइड के रिटेंशन के लिए, सोडियम और वाटर के रिटेंशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये घूम फिर करके आपकी कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को अफेक्ट तो कर ही रहे हैं, रेगुलेट तो कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये जीआईटी फंक्शन को भी रेगुलेट करते हैं, साथ साथ कुछ हद तक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट शो करेंगे, जिनके बारे में हमने पिछले सेमेस्टर में डिस्कस भी किया हुआ है। ये कुछ इफेक्ट है आपकी एंजाइटी और आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो आज के टॉपिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक जानकारी आपको रखनी होगी। आगे हम बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, एंजियोटेंसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, ये हमने पिछले सेक्शन के एमसीक्यूज में भी पूछा था और अभी भी ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि ये ऑटो पॉइंट्स के अंदर पढ़े जा रहे हैं। सो एंजियोटेंसिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रीकर्सर, एक प्रीकर्सर जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। तो एंजियोटेंसिन सिंथेसाइज होता है एंजियोटेंसिनोजन से, और ये एंजियोटेंसिनोजन एक प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर कहने का मतलब होता है कि उस स्टार्टिंग मटेरियल की बात हम कर रहे हैं जिसको लेकर के आगे के प्रोसेस बनने शुरू होंगे, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल की, तो एंजियोटेंसिनोजन इज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिन। अब अगर हम बात करते हैं एंजियोटेंसिन का सोर्स क्या है, कहां से वो सिंथेसाइज होते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, दैट इज एंजियोटेंसिनोजन इज सिंथेसाइज इन लिवर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो एंजियोटेंसिनोजन है, जो कि प्रीकर्सर है एंजियोटेंसिन का, ये कहां से सिंथेसाइज होता है, ये लीवर से सिंथेसाइज होते हैं, और आगे जाकर ये कन्वर्ट होते हैं एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 3 और कुछ हद तक एंजियोटेंसिन 4 में। लेकिन इनका जो मेजर इन्वॉल्वमेंट है, आप काफी सारे बुक में अगर आप रफ सुपरफिशियली देखेंगे तो आपको किसी किसी बुक में एंजियोटेंसिन 1, 2, 3 तक दिया हुआ होगा। मैक्सिमम केस में अगर हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में, तो एंजियोटेंसिन 1 और 2 के बारे में दिया होगा, और उसमें से भी अगर हम बात करते हैं एक्टिव इनएक्टिव केस में, तो मोस्ट ऑफ द केस आपको एंजियोटेंसिन 2 का ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट महत्व दिखाई देता हुआ समझ में आ जाएगा। सो कन्वर्जन की बात करते हैं, तो ये आखिर में 1 से लेकर के 4 तक एंजियोटेंसिन के सब टाइप में इनको कन्वर्ट करते हैं हमारे लीवर के प्रोसेस को फॉर्मेशन करते हुए। आगे हम बात करते हैं तो एंजियोटेंसिन 1, यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट बाइट है, एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड, ये 1 है जो कि इनएक्टिव होता है, और अगर ये इनएक्टिव है तो इसका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि एंजियोटेंसिन की कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी देखने को मिले, तो इस इनएक्टिव फॉर्म को उनके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सो कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इन एंजियोटेंसिन 2 इज डन बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि ACE, जिसके बारे में आपने एंटी हाइपरटेंसिव में और डिटेल से पढ़ा है, हमने भी काफी डिटेल से वीडियो अपलोड किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये ACE का रोल हम जान लेते हैं, इसी लाइन में हर एक चीज क्लियर है, तो इसको हम थोड़ा देर के लिए पैसिव वाइज में ले लेते हैं। हम लास्ट शुरू करके आते हैं इस तरीके से, यहां पे तो ये लिखा हुआ है सीधे सीधे कि एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसको यूं अगर उल्टा करें तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी कि ACE इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इनटू अ एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अच्छू एंजियोटेंसिन 2 एक इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है आपके वैसो एक्टिव या वैसो प्रेसिव पेप्टाइड का, जिसका काम है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसस के कॉन्स्ट्रिक्शन में, आगे जाकर के वाटर फ्लूइड के रिटेंशन में भी कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट रोल प्ले करेगा, और इन्हीं की वजह से आपके ब्लड प्रेशर में इलेवेशन होता है। क्योंकि ये 1-2 में कन्वर्ट हो रहा है केवल केवल प्रेजेंस ऑफ ACE, तो अगर हम इस ACE को अफेक्ट कर दें, इनहिबिट कर दें, रिड्यूस कर दें, तो अल्टीमेटली आपका एंजियोटेंसिन 2 बनेगा नहीं, और अब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी वो भी देखने को नहीं मिलेगी। ये एक बेसिक पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं तो एंजियोटेंसिन 1, जैसा मैंने रिपीट किया, एंजियोटेंसिन 1 का
कोई फार्माकोलॉजिकल या कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, और इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी अचीव करनी है तो हमको इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म यानी कि एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और एंजियोटेंसिन 2 का जो पोटेंट एक्शन है, मेन इंपॉर्टेंट पावरफुल एक्शन है, वो है आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को समझने के लिए, कि एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर जो कि वैसोस को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपका इलेवेट होगा। आगे की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट भी देख लीजिए, एंजियोटेंसिन 2 एंड एंजियोटेंसिन 3 स्टिमुलेट, एंजियोटेंसिन 2 एंजियोटेंसिन 3 ये दोनों स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन को। तो दिस इज एल्डोस्टेरोन, इसी की वजह से आपने जो फीडबैक मैकेनिज्म देखा है जिसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAAS सिस्टम, RAAS सिस्टम, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो आपके सब्सटेंस हैं वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। एक बात जानना और जरूरी है कि आपके लीवर ने भले ही इस एंजियोटेंसिन को उनके रेस्पेक्टिव टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मदद करने का काम शुरू किया, जिसकी वजह से आगे जाकर ये कन्वर्ट होते हैं एंजियोटेंसिन 1, 2, 3 और 4 में। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये देखेंगे कि ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आगे कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजियोटेंसिन 2 थोड़ी देर बाद कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में या एंजियोटेंसिन 3 में, क्योंकि एंजियोटेंसिन 3 उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि एंजियोटेंसिन 2 है, लेकिन इनके जो फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल है वो सेम है। तो ये इफेक्टिव भले कम है लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी सेम शो करते हैं। 4 के बारे में उतनी जानकारी अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है। तो ये जो लाइन है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंजियोटेंसिन 2 और एंजियोटेंसिन 3 दोनों मिलकर के स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो आगे जाकर के सीक्रेट कर सकें एल्डोस्टेरोन को। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हमने एक वर्ड के फॉर्मेट में, 1-to-1 के फॉर्मेट में देखा, इन्हीं को अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आप अच्छे से समझा सके किसी और को मेन एग्जाम में या अपने ही आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सके, तो उसके लिए एक सिंपल सा फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है। इस फ्लो चार्ट में आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, इसका एनिमेशन भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एंजियोटेंसिनोजन, ये एंजियोटेंसिनोजन हमको मिलता है लीवर से, ये चीज याद रखिएगा। यहां पे दो चीजों का एक साथ एडअप है, एक तो एंजियोटेंसिनोजन आपके लीवर से, दूसरा एंजियोटेंसिनोजन है क्या, ये एंजियोटेंसिनोजन आपका प्रिकर्सर है जिसको स्टार्ट करके आगे जाकर के एंजियोटेंसिन के डिफरेंट फॉर्म को सिंथेसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एंजियोटेंसिनोजन की जो कि लीवर से सिक्रीट होता है। ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, लेकिन इस एंजियोटेंसिनोजन के एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो है रेनिन, और ये रेनिन आपको किडनी से सिक्रीट किया जाता है। तो ये रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को आपके एंजियोटेंसिन 1 में। ये जो एंजियोटेंसिन 1 यहां पे बना हुआ है, क्योंकि अभी आपने देखा कि दिस इज नो हैविंग नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये इनएक्टिव है, तो ये आगे जाकर के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो यानी कि एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो, इसके लिए किसी न किसी कन्वर्टिंग एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और हमने यहीं पर देखा कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमको एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जिसे सिंपली नोन एज ACE, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये यहां पे आप देखिए ACE जो कि लंग से सिक्रीट होते हैं, तो ये भी आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो वहां से सिक्रीट होकर के यहां पे आते हैं और इस एंजियोटेंसिन 1 को एक्टिव फॉर्म यानी कि एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम यहीं पे पैरेलल देखें कि एंजियोटेंसिन 2 बन गया तो अब क्या होगा, क्योंकि आपने देखा कि एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्या होगा उसको पहले देखें फिर आगे के प्रोसेस को भी देखना शुरू करेंगे। जब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा तो डेफिनेटली ये जो एंजियोटेंसिन 2 है जिसे हमने ग्रीन कलर के डॉट से दिखाया हुआ है वो आगे जाकर अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर, दिस इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, यहां पे देखिए एंजियोटेंसिन ये ग्रीन कलर का है और ये जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं दिस इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। और आपने ये भी बेसिक तरीके से जाना है फर्स्ट लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी कि जब तक कोई सिग्नल मॉलिक्यूल, कोई केमिकल, कोई ड्रग अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो जाता वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं शो करेगा, यानी कि ड्रग इज नॉट इंपॉर्टेंट अलोन, रिसेप्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट अलोन। जब तक ये दोनों मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे ना ही ड्रग की कोई वैल्यू होगी ना ही कोई रिसेप्टर की, तो दोनों को मिलकर के एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इनिशिएट करना होता है। तो ये जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 बना था ये अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड होगा तभी एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और जब ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर फॉर्मेशन होगा तो आगे जाकर के आप पाएंगे कि ये तीन तरह की एक्टिविटी दिखाएगी।
पहला एक्टिविटी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जैसा कि आप पहले से ही देखते आ रहे हैं। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने की वजह से आपकी बीपी में इलेवेशन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, ये सॉल्ट के रिटेंशन को और वाटर के रिटेंशन को भी स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से फिर से बीपी बढ़ेगा और ये एक और प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, वह इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम, जो कि अल्टीमेटली सीएचएफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फिर ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को इंक्रीज करेंगे और एल्डोस्टेरोन भी सिक्रेट होगा तो वो पैरेलली आपके प्री लोड आफ्टर लोड को भी अफेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को भी प्रॉब्लम कॉज करेगा, यानी कि बढ़ा देगा। तो इस तरीके से जो एंजियोटेंसिन 2 था उसका बनना बाय एसीई और उस बनने के साथ साथ उनके रिसेप्टर पे बाइंड होने, इन दोनों की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर हम इस रेनिन के रिलीज को अगर कम कर दें, ऑलरेडी हमने इसे एंटीपोटेंसी में समझा चुके हैं, तो भी आपका प्रोप्रोसेस कंट्रोल में कर सकते हैं, आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसीलिए इस क्लास का नाम है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। अगर हम इस एसीई एंजाइम के बनने को प्रोसेस को इनहिबिट कर दें तो भी आप आपके ब्लड प्रेशर के एलिवेशन को इस एंजियोटेंसिन की वजह से जो हो रहा था इसको कम कर सकते हैं, या तो आप इस रिसेप्टर में इस एंजियोटेंसिन 2 के बाइंड होने को भी रोक सकते हैं, तो भी आप अपने ब्लड प्रेशर की जो एलिवेशन है, इंक्रीज है, हाइपरटेंशन है, इनको आप कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जहां जहां पे प्रॉब्लम है, जिस जिस जगह पे दिक्कतें शुरू हो रही हैं, इन्हीं दिक्कतों को अगर हम सॉल्व करते चलें तो आपका जो हाइपरटेंशन है वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी से कि एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सॉल्यूशन इटसेल्फ, आपके प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन छिपा हुआ है। ये रेनिन स्टार्टिंग मटेरियल है, ये ऐसे ही आपकी कन्वर्टिंग फैक्टर के रिस्पॉन्सिबल है और आपका ये रिसेप्टर पे बाइंड होना भी एक प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है। तो इन्हीं तीनों सीक्वेंस जो कि प्रॉब्लम कॉज करते हैं, इनको आप एनी हाउ रिड्यूस कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो फ्रेंड, आज का ये पार्ट था हमारा 1 एंजियोटेंसिन के बारे में बेसिक पॉइंट। धीरे धीरे हम इसके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, इनके सब टाइप ऑफ रिसेप्टर के बारे में और जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आज के रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो आज का रेफरेंस हमने लिया हुआ है पद्मजा उदय कुमार और फार्माकोलॉजी की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है केडी त्रिपाठी, बट अबव 80% हमने लिया हुआ है पद्मजा उदय कुमार से। डायग्राम भी उन्हीं से लिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किए हुए हैं। तो ये एक छोटा था नीचे का लाइन कि ये तो एंजियोटेंसिन 2 बना, आगे जाकर के ये एंजियोटेंसिन 3 बनेंगे और फ्रेगमेंट और अनफ्रेगमेंट सेक्शन में जाकर के फिर आगे जाकर के ये एंजियोटेंसिन 4 का भी कन्वर्जन करेंगे। बट दीज आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज एंजियोटेंसिन 2 बिकॉज इट इज अ पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो कि ब्लड प्रेशर के लिए और बाकी चीजों के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। सो एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। नमस्कार।